हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत आज आपके लिए लेके आया हूँ फार्मा पास चैनल पे एक और न्यू टॉपिक्स। आज हम बात करेंगे फ्रेंड ओ टू सीरप के बारे में, जो कि ओ टू ओफ्लोक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल ओरल सस्पेंशन है फ्रेंड। तो इसका यूज़ देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका साइड इफ़ेक्ट देखेंगे फ्रेंड, और साथ ही साथ इसका मार्केट प्राइस जो है एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना है, और साथ ही इसको कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, स्टोरेज कहाँ पे किया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं। अगर आपने हमारे फार्मा पास चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम फार्मेसी और फार्मा सिस्ट से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे फार्मा पास चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलता ही रहता है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं फ्रेंड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ओ टू सीरप का पिक्चर है, जो कि आपको मैंगो फ्लेवर में दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है फ्रेंड। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सॉरी फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ओ टू सीरप के बारे में है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इट इज़ ए यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लॉज मोशन ड्यू टू मिक्सिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कहने का मतलब जो ओ टू सीरप का यूज़ किया जाता है फ्रेंड ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है, और लूज मोशन के केसेस में किया जाता है, डायरिया के केसेस में किया जाता है, डिसेंट्री के केसेस में किया जाता है, जो कि एक ही वर्ड है फ्रेंड लूज मोशन। तो फ्रेंड उस केसेस में इसका यूज़ किया जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो ओफ्लोक्सासिन जो होता है इसका काम होता है किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल इन्फेक्शन। कहने का मतलब जो ओफ्लोक्सासिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है फ्रेंड, जो कि 100 mg लगभग मिली रहती है। इसका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना होता है, बैक्टीरियल साइडल का होती है फ्रेंड, ये बैक्टीरिया को किल करती है फ्रेंड। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड, जैसे कि मेट्रोजिल वर्क बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ, मेट्रोजिल वर्किंग बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया एंड द पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल इन्फेक्शन। मेट्रोजिल का जो काम होता है फ्रेंड, ये मेट्रोजिल जो होती है वो बैक्टीरिया के एंड पैरासाइट के ग्रोथ को रोकती है फ्रेंड। ये एक प्रकार की बैक्टीरिया स्टेटिक होती है, बैक्टीरियो स्टेटिक जिसे बोलते हैं फ्रेंड, उस प्रकार से ये अपना वर्क करती है, जो कि बैक्टीरिया और पैरासाइट के ग्रोथ को रोकने का काम करती है, और गिव न्यू ओ टू सीरप द प्रेस्क्राइब ड्यूरेशन। कहने का मतलब जो सिरप, अगर ओ टू सिरप आप दे रहे हैं अपने बच्चे को या फिर किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो फ्रेंड इसमें ये ज़रूर देख लें कि उसके एज के अकॉर्डिंग ही दें, जो कि RMP द्वारा हो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही दिया जाना चाहिए फ्रेंड। वहीं बात कर लिया जाए कि फ्रेंड इसका और भी यूज़ कहाँ पर किया जाता है ओ टू सिरप। ओ टू सीरप जो कि है सिरप मैन्युफैक्चरिंग बाय मेडले फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये जो मेकिंग प्रोसेसिंग है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडले फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इट इज़ अ कॉमनली यूज, इसका और भी कई जगहों पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायग्नोस्टिक फॉर ट्रीटमेंट एंड ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और सेक्सुअल ट्रांसमीटर इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड। तो ये सब इसके कॉमनली यूज़ किए जाने वाले हैं, जो कि लूज मोशन के अलावा भी इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में और जानकारी, जो कि है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड कि कंटेन इसमें ओफ्लोक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल होता है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेट्रोनिडाजोल और ओफ्लोक्सासिन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो की है हमारी
वो मेडले फार्मास्यूटिकल है। इसको स्टोरेज करने के लिए फ्रेंड कहा जाए तो ये स्टोरेज बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, कहने को मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से इसका कम होना चाहिए टेम्परेचर, उसी में इसको स्टोर किया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए इसके देख लेते हैं साइड इफेक्ट, के साइड इफेक्ट क्या है, इसके कॉमनली साइड इफेक्ट क्या है। नोजिया, वोमिटिंग, अपसेट स्टमक, अपसेट, लॉस ऑफ पेप्टाइड, ड्राई माउथ, मेटेलिक टेस्ट, हेडेक, कहने मतलब ये सब हैं और कि मतली आना, उल्टी आना, माउथ सूखे रहना, सिर दर्द करना, मेटेलिक टेस्ट जो मुंह का स्वाद होता है मेटेलिक की तरह होना, और पेट में डिस्टर्बिंग रहना फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम मेडिसिन और फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट से और फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं फार्मापाथ चैनल के माध्यम से फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।